नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं कवि घनानंद के पदों की व्याख्या। कवि घनानंद रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन पदों में उन्होंने प्रिय के वियोग में प्रियसी किस प्रकार विरह से व्याकुल हो जाती है, उस प्रेम का या उस वियोग से परिपूर्ण प्रेम का चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं। जांसो प्रीति ताही निठुराई सो निपट ने, कि जिससे जांसो यानी जिससे प्रीति करी, जो नायिका है वो क्या कह रही है, जांसो प्रीति जिससे प्रीति करी ताही उसी ने निठुराई, निठुराई यानी कठोरता, सो निपट ने, निपट यानी अत्यधिक, ने यानी प्रेम, कि मैंने जिससे प्रेम किया उसने किससे प्रेम कर लिया, कठोरता से, निठुराई सो निपट ने, कि कठोरता से प्रेम कर लिया या उसने अपना हृदय कठोर बना लिया है, निष्ठुर बना लिया है। कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए, कि कैसे बताएं किसका, किसके बारे में, जिए जिए यानी हृदय की, जरनी यानी जलन, कि हृदय में किस प्रकार की जलन होती है या उनके उपेक्षा भाव से मेरा हृदय कितना व्याकुल होता है, कैसे बताऊं किसको जताऊं। महानिर्दयी देई कैसे के जीवाऊं जीव, यहाँ पर वो क्या कहती हैं, देई, देई यानी हे देव, वो कैसे हैं, महानिर्दयी है, कैसे के जीवाऊं, कि मैं कैसे अपनी अपने आप को जिलाऊं, जीव यानी प्राणों को या हृदय को, कि मैं कैसे जीवित रहूं या कैसे जिलाऊं, हे देव, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि मेरे प्रियतम महानिर्दयी है, ऐसी अवस्था में मैं अपने प्राणों को कैसे जिलाऊं, कैसे अपने प्राणों की वेदना को समाप्त करूं। वेदन की बढ़ावरी कहाँ लो दुराइये, वेदन यानी वेदना, बढ़ावरी होता है बढ़ाने वाला, बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला, कहाँ लो कहाँ तक दुराइये छिपाऊं, कि मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छिपाने से भी नहीं छिपती, अर्थात कोई अगर मुझसे पूछ लेता है तो मैं अपनी वेदना को नहीं छिपा सकती। दुख को बखान करीबे को रसना कह होती, कि दुख का वर्णन करने के लिए, रसना क्या होती है, जीव, कि मेरी जीवा ने भी इस दुख का बखान करने के लिए अपना जो कार्य होता है वो क्या कर दिया है, कह यानी यदि, कहने से तात्पर्य क्या है कि मेरी जो जीव है वो उसका बखान, अपने जो मेरा दुख है उसका बखान करती, लेकिन ये दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जीभ ने भी इस बखान को करने से मना कर दिया है, या जीभ भी इसका बखान नहीं कर पाती। किसका बखान नहीं कर पाती, मेरी पीड़ा और दुख का, कि मेरी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि जीवा से भी किस प्रकार मैं उसको कह सकती हूँ। एपे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए, एपे, एपे से तात्पर्य क्या है, इतने पर भी क्या कहूँ, वाको यानी उसका मुख भी नहीं देख पाई, अर्थात उसके दर्शन भी नहीं कर पाई, अगर उसके दर्शन हो जाते तो क्या होता, संतोष प्राप्त हो जाता। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे भाग, कि रात दिन, रात और दिन चैन नहीं है क्या, लेस, लेस यानी थोड़ा सा भी, न नहीं, कि लेस मात्र भी चैन मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा मन तड़पता रहता है। कारण क्या है कि मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाई। आपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाइए, आपने ही, किसने, देई ने, देई कौन है, यहाँ पर देव हैं, ईश्वर हैं, देव और ईश्वर को कह रही हैं कि आपने ही ऐसे दोष काहीं, किस लिए मुझे लगा दिए हैं। वो ये मानती हैं कि ये मेरे कर्मों का ही, मेरे भाग्य का ही दोष है, और वो कह रही हैं कि हे देव, ऐसे दोष मेरे भाग्य में आपने किस लिए लगा दिए हैं, कि मैं अपने प्रियतम से मिल नहीं पाती हूँ, उनके विरह वियोग में व्याकुल हूँ, ऐसे दोष मेरी किस्मत में आपने क्यों डाल दिए हैं कि मुझे इतनी विरह वेदना सहनी पड़ रही है। तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद की पंक्तियाँ हैं, और यहाँ पर उन्होंने नायिका के प्रेम की और विवशता की, उसकी दीनहीन दशा का चित्रण यहाँ पर किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।